कि उनको अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड नेगेटिव लगने लग गई है. इट्स वेरी इजी टू से समवन टॉक्सिक, बट दोज पीपल आर नॉट टॉक्सिक, नाइदर यू आर टॉक्सिक. टॉक्सिक इट इज योर कनेक्शन. एक बार एक कॉलेज स्टूडेंट था 21 साल का, बिल्कुल एवरेज कॉलेज स्टूडेंट था. कुछ ज़्यादा कुछ लाइफ में कुछ किया नहीं, कुछ ज़्यादा ड्रीम्स भी नहीं थे, बहुत ही नॉर्मल जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं. उसकी आज तक कोई रिलेशनशिप नहीं रही थी, कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, कुछ नहीं था. 21 साल का था, उसका थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज था. वहाँ पे उसको एक लड़की मिली, वो लड़की उसको इतनी सुंदर लगती थी, इतना अट्रैक्ट हो गया उससे कि वो उसको अप्रोच करने लग गया, बातें बातें करने लग गया. जो जैसे नॉर्मल लड़कों के साथ होता है, पहली पहली बार कोई लड़की मिली होती है, वो इतना एक्साइट हो गया, अपने दोस्तों को बताता था, वाह यार कितनी क्यूट है यार, कितनी अच्छी है, कितनी केयर करती है. और वो लड़की में एक क्वालिटी थी कि वो बहुत अच्छी लिसनर थी, वो बहुत इसकी बातें सुनती थी, बहुत ज़्यादा बातें करने में इंटरेस्टेड थी, इसको भी बातें करने में मज़ा आता था, बहुत ही सही बॉन्ड हो गया. तो उसने उसको डेट पे पूछा, वो चले गए, फिर वो डेट करने लग गए, फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ गए. उसका सबसे लाइफ का बेस्ट ईयर था वो. क्यों? क्योंकि इतना मज़ा आने लग गया, वो इतनी उसको इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, उसकी ड्रेसिंग सेंस इतनी अच्छी थी कि वो पागल दीवाना ही हो गया. पढ़ता भी रहता था बट वो इसके लिए कुछ भी कर सकता था. और इतनी सही कोई बेस्ट फ्रेंड, को बेस्ट पार्टनर मिल जाता है तुम्हें, जिसके साथ तुम अपनी लाइफ शेयर करने को रेडी हो जाते हो. पहले एक साल उसको बहुत ही अच्छी लगती थी वो. तो बीच बीच में वो लड़की इसको थोड़ा थोड़ा बोलती भी रहती थी कि यार तो अपनी ड्रेसिंग सेंस वगैरह देख ले, तो वो थोड़ा ऐसा हो जाता था कि हाँ यार अच्छा मैं तेरे लिए ड्रेसिंग सेंस भी चेंज कर लूँगा. तो उसने उसके लिए ड्रेसिंग सेंस थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने लग गया, उसको भी अच्छा लगता था, उसको पढ़ने को मोटिवेट करती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, तो वो पढ़ने भी लग जाता था उसके कहने पे. वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहाँ पे बोलती रहती, तू ऐसा बिहेवियर चेंज कर ले, वैसा कर ले, वो भी उसको बोलता रहता था. तो एक दूसरे को हेल्प करते रहते थे. इसको बिल्कुल भी किसी चीज़ का ऐसा नहीं, दिल पे नहीं लेता था, ईगो नहीं थी, क्योंकि उसको बहुत ही लाइक करता था. और बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे कि भाई उसको उसके लिए कुछ भी कर देना, उसको हॉस्टल से पिकअप करना, उठाना, पूरे दिन साथ में घूमना. वो रोज़ रोज़ मिलने लग गए, ऑफिशियल डेट्स पे दो दो बार जाते थे एक हफ्ते में. वो क्रेज़ी हो गया था. एक साल के बाद जब उनका कॉलेज ख़त्म हुआ तो वो जॉब्स ढूंढने लग गए. लड़की को तो जॉब मिल गई थी, लड़के को जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो थोड़ी सी टेंशन में आने लग गया. तो वो क्या करता था, जब उसको जॉब नहीं मिलती थी, उसकी टेंशन थी, वो क्योंकि वो इसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, तो उसके साथ डिस्कस करने लग गया कि यार ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे से जॉब नहीं मिल रही, ये वो. तो वो लड़की बहुत अच्छी थी, तो वो थोड़ी बहुत इसको हेल्प भी करती रहती फाइनेंशियली, और फिर इसको यू नो इमोशनली भी समझाती रहती थी कि यार कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, धीरे 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 काम करते रहो, जॉब मिलती रहेगी, ठीक है. तो वो फिर भी कुछ भी टेंशन आती थी वो इसके साथ डिस्कस करता था, कोई भी थोड़ी बहुत टेंशन आती थी वो डिस्कस करते थे, ये सॉल्व कर देती थी, ठीक है. उसको और प्यार होता गया, कितनी अच्छी लड़की है यार, ऐसी लड़कियाँ कहाँ मिलती हैं. धीरे धीरे क्या हुआ, 6 महीने तक वो ऐसे ही अप्लाई करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, और कोई भी टेंशन में घूमता रहा. और फिर ये डिस्कस करते रहते थे वो टेंशन, तो वो सॉल्व कर देती थी हमेशा. मतलब 6 महीने में टेंशन की वजह से जब भी वो इसको मिलता था, इसकी नीड बन चुकी थी कि यार उसके बात किए बिना तो ये रह ही नहीं पाता. लेकिन जब वो इसको मिलती थी तो थोड़ी सी अजीब फील करने लग गई कि यार मतलब कि पहले जैसा फर्स्ट ईयर में था जो एक्साइटमेंट, फन, वो सब धीरे 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 वैनिश ऑफ होता गया कि यार ये कोई भी बात करेगा टेंशन वाली होगी, तो वो ऐसे स्टैंस में आती थी जैसे वो खुद इसकी मेंटोर है. बड़े ध्यान से सुनना ये स्टोरी, कोच करने लग गई थी. तो उसको अच्छा लगता था क्योंकि वो बहुत समझदार लड़की थी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो रिलेशनशिप एक्चुअल में कपल वाला कम और मेंटोरशिप वाला ज़्यादा हो गया था, लेकिन इसकी नीड बन चुकी थी वो. 6 महीने बाद क्या हुआ, उसको जब जॉब लगी तो पहली बार, मतलब इस 6 महीने में हार्डली उन्होंने कभी ऐसे प्रॉपरली डेट वेट पे गए होंगे, पहली बार वो बहुत अच्छी तरह पूरा उन्होंने दिन स्पेंड किया. वो बाहर घूमने फिरने गए, ट्रैवल करने गए, और कोई रेस्टोरेंट में गए, फिर कोई गेम्स खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं. उन्होंने बहुत अच्छी तरह वो दिन स्पेंड किया कि उसको पहली बार जॉब मिल गई थी. मतलब जो पहले एक साल के अंदर वो रोज़ करते थे, वो पहली बार 6 महीने बाद किया.
जॉब के एक महीने के अंदर अंदर वो थोड़ा सा और इरिटेट होना शुरू हो गया, क्योंकि उसको अब अपना बॉस भी बुरा लगना शुरू हो गया कि वो हमेशा ही डांटता रहता था, इतना काम का प्रेशर, और ये बोलती थी कि यार तुम मेरे से बात ही नहीं करते। वो कहते क्या बात करूँ, इतना काम का प्रेशर है। और फिर ये क्या करने लग गया, जब भी उससे बात करता था ये वो प्रेशर उसके साथ डिस्कस करता था, बॉस की पिचिंग करता रहता था, वो ऐसा वो वैसा। तो स्टार्टिंग में तो बहुत हंसते रहते थे कि अच्छा छोड़ो गोली मारो, पर धीरे धीरे क्या होने लग गया, उसका रोज का ही काम होने लग गया कि रोज बॉस कोई डांटता था, इससे डिस्कस करता था, ये थेरेपिस्ट बन जाती थी, उसके साथ बात करती थी, फिर वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ कलीग के साथ प्रॉब्लम हो गई, इसके साथ डिस्कस करता था। धीरे धीरे क्या होने लग गया कि पहले 6 महीने तक उस जॉब में वो फिर वैसे ही परेशानियों में घूमना शुरू हो गया जैसे वो जब जॉब ढूंढ रहा था तब ढूंढ रहा था। अब क्या है, जो अब ढूंढने की परेशानी नहीं थी, जॉब खुद की ही परेशानी थी कि यार करूं क्या मैं लाइफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा, ना मुझे जॉब पसंद है, ना मुझे बॉस पसंद है, ना मुझे वहाँ के लोग पसंद है। तो ये भी बहुत बोलती रहती थी कि यार तुम छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ते क्यों नहीं जॉब, ठीक है। तो फिर एक टाइम के उसने गुस्से में आके जॉब छोड़ दी, और फिर उन्होंने 6 महीने बाद, क्योंकि उसको जो फाइनल सेटलमेंट मिली, उन्होंने फिर पार्टी की, मज़े किए, मतलब 6 महीने में फिर भी वो परेशानी की वजह से अब वो पार्टी वार्टी करना बंद हो गए थे, डेट पे जाना बंद हो गए थे, वो उसको कोर्ट करना बंद हो गया, फ्लर्ट करना बंद हो गया, कभी भी मिलते भी थे ऐसी पजामा पहन के निकल जाते थे या कुछ भी पहना हुआ ऐसी मुँह उठा के फॉर ग्रांटेड लेने शुरू कर दिए थे एक दूसरे को, कुछ करना ही छोड़ दिया था एक दूसरे के लिए। तो बाई चांस इस बार उसने एक समझदारी वाला पॉइंट निकाला था, सिर्फ ऐसे ही जॉब नहीं छोड़ दी थी, उसने कोई और जॉब ढूंढ ली थी पहले ही। बाई चांस क्या हुआ कि जो उसको जॉब मिली दूसरी, वो जॉब बहुत अच्छी थी, उसमें उसको बॉस भी अच्छा, कलीग्स भी अच्छे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो धीरे धीरे क्या करने लग गया, उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लग गई कि चलो ठीक है, सेटिस्फाई हो गया कि यार जॉब की प्रॉब्लम थी। उसकी नई जॉब में क्या हुआ, बाई चांस उसकी नई जॉब में उसको एक लड़की मिली, इससे कम सुंदर लगती थी उसको, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम थी, क्वाइट थी, और वो बहुत ज़्यादा समझदार थी। तो वो उससे थोड़ा थोड़ा क्लोज होने लग गया, उसने अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया कि यार मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छी है, मेरी बहुत केयर करती है। तो वो लड़की भी खुश हो गई, ठीक है, ऑल्दो वो उस लड़की से भी थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लग गया। फिर जब वो धीरे 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 काम करने लग गए, तो कोई भी टेंशन होती थी उसकी लाइफ में, अपनी गर्लफ्रेंड से डिस्कस करता था कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको डील करती थी, उससे डिस्कस करती थी, और वो सेट हो जाता, सॉर्ट हो जाता। जब भी कोई अच्छी बात होती थी वो इस ऑफिस की लड़की से डिस्कस करता था। धीरे धीरे 3 महीने बाद उसकी माइंड में एक डिलेमा क्रिएट हो गया, अब उसको ये दोनों लड़कियां अच्छी लगने लग गई, अपनी गर्लफ्रेंड और ऑफिस की लड़की, इन दोनों में से उसको एक चॉइस लगानी थी। तो उसने क्या किया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि उसको ऑफिस की लड़की बहुत अच्छी लगने लग गई थी, क्योंकि इसके साथ बातें कर कर के कर कर वो इतनी क्लोज आ गया था कि उसके बस की ही नहीं थी, उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, व्हाई एम आई सो अटैच्ड टू हर, व्हाई डिड दिस हैपन, इज इट बिकॉज ही इज डिसलॉयल, ही इज अ चीटर। इट्स वेरी ईजी टू से दैट, बट वंस यू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड हाउ ए ह्यूमन माइंड वर्क्स, तुम्हें सारी गेम ही समझ में आ जाएगी। तो आई एम गोइंग टू टेल यू द रियल साइंस, द रियल प्रॉब्लम बिहाइंड इट, एंड दैट हैज टू लिंक विद एंकरिंग। व्हाट्स दैट, जब भी वो कोई प्रॉब्लम लेके आता था, उसकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती थी वो इसके पास आता था, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी वो इसके पास आता था, कुछ भी इशू होता था इसके पास आता था, कोई भी बॉस ने डांट दिया तो इसके साथ आके बिचिंग करता था। हमारा माइंड, हमारा न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन कैसा बना हुआ है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग समथिंग और समवन। रिमेंबर दिस, राइट दिस डाउन, समथिंग और समवन। समवन में हम खुद भी आ सकते हैं, कोई और भी आ सकता है। तो उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, उस प्रॉब्लम को जब ये इसके साथ डिस्कस करता था, इसके माइंड की न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन ऐसे बन गई कि प्रॉब्लम मीन्स दिस गर्ल, दिस थिंग विच वी डू इन आवर माइंड इज कॉल्ड एंकरिंग, ही एंकर्ड हर टू बी द प्रॉब्लम। तो उसकी आवाज और उसकी शक्ल प्रॉब्लम बन चुकी थी उसके लिए, क्योंकि उसने इतना ज्यादा स्टैक अप कर लिया। दिस इज कॉल्ड स्टैकिंग अप द नेगेटिविटी। तो पहले जब रिलेशनशिप में होता था, वो नेगेटिविटी प्लस पॉजिटिविटी स्टैक अप दोनों करते थे। पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव मोमेंट्स, ऐसे मोमेंट जहां पे हंसी है, खुशी है। यहां पे जब प्रॉब्लम्स जब तुम एक इंसान के साथ डिस्कस करते हो, विच हैज नथिंग टू डू विद दैट पर्सन, बट तुम्हारे माइंड को लगने लग जाता है कि यार ये प्रॉब्लम है मेरे लिए। अगर तो तुम्हारी लाइफ में कोई और नहीं होता तो तुम्हें पता क्या लगता है, मैं खुद ही प्रॉब्लम हूं। दैट्स व्हाई पीपल कमिट सुसाइड,
बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस बॉडी बिकॉज दे थिंक दिस बॉडी इज द प्रॉब्लम. दिस इज कॉल्ड न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग. यू कंडीशन योर माइंड टू एसोसिएट समथिंग विद समथिंग एल्स विच हैज नथिंग टू डू विद दैट. दिस इज द मेन प्रॉब्लम. सो इट्स वेरी ईजी टू से कि वो चीटर है, ये है, वो है. उसकी बस की नहीं है इसके साथ रहना. बस की क्यों नहीं है? बिकॉज उसने इतनी नेगेटिविटी स्टैकअप कर ली अपने माइंड में उसको लेकर, जो उसके लेकर नेगेटिविटी थी नहीं, नेगेटिविटी तो उसकी खुद की करियर की थी. दैट इज द होल प्रॉब्लम. नाउ आई एम नॉट जस्ट अ गाय हु ऑलवेज टेल यू द प्रॉब्लम्स, आई एम गोइंग टू टेल यू द सॉल्यूशन एज वेल. सॉल्यूशन क्या है? देयर आर टू सॉल्यूशंस. ये उन तीन लोगों के लिए है जो तो जिन्होंने ये नहीं किया और करने वाले हैं, जो ये कर रहे हैं, जो कर चुके हैं और उनकी प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होगी लाइफ में, कि उनको अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड नेगेटिव लगने लग गई है. इट्स वेरी इजी टू से समवन टॉक्सिक, बट दोज पीपल आर नॉट टॉक्सिक, नाइदर यू आर टॉक्सिक. टॉक्सिक इट इज योर कनेक्शन. टॉक्सिक वॉज दैट बॉस और टॉक्सिक वॉज दैट कनेक्शन. यू डिडंट लाइक योर लाइफ, दैट्स व्हाई यू डिस्कस्ड इट विद समवन एल्स एंड नाउ यू थिंक यू डोंट इवन लाइक देम. सो इट्स वेरी इजी टू से कॉल समवन टॉक्सिक, बट इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रियलिटी बिहाइंड इट. What's the solution? There are two solutions. One, stop stacking up this negativity. जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, मनी को लेकर, डिस्कस इट विद योर वाइफ और गर्लफ्रेंड वन और टू टाइम्स, बट हमेशा नहीं. हमेशा तुम प्रॉब्लम्स ही लेके घर पे आओगे तो तुम नेगेटिविटी स्टैकअप कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो. अगर तो जॉब के रिलेटेड प्रॉब्लम है, ज़्यादातर जॉब वालों के साथ ही डिस्कस करो ना, या डिस्कस करो, मैं नहीं बोल रहा अपने माइंड में रखो, डिस्कस करो किसी के साथ. अगर तो करियर को लेकर है, किसी चीज़ को लेकर है, तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ डिस्कस करो ना. इसको पता होना चाहिए. बट ऑल द टाइम इफ यू कीप ऑन डिस्कसिंग देन यू विल कीप स्टैकिंग अप द नेगेटिविटी. सो रिमूव द नेगेटिविटी विच यू आर स्टैकिंग अप. सेकेंड सॉल्यूशन इज क्रिएट पॉजिटिव स्टैकिंग, पॉजिटिव एंकरिंग. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग एंड राइट दिस डाउन. इफ यू डोंट वॉन्ट योर रिलेशनशिप टू एंड, Do the things which you did in the starting of the relationship and there won't be an end. Starting में तुम क्या करते थे? तुम date करते थे, तुम उसके लिए तैयार होते थे, तुम उसके लिए surprises लेके आते थे, cards लिखते थे. जब तुमने वो चीज़ें ही करनी बंद कर दी तो वो positive emotions stack up ही नहीं हो रहे, वो negativity आई जा रही है. If you want your relationship to work, you need to stack up more positive than negative. That is the only way it will work, otherwise not. All right? If you want any other topic, you can comment down below. I see you all next Friday 9 p.m. only on